मिरर पुलिस ने कनकिया इलाके में गुटखा सप्लाई करने वाले रिक्शा चालक युवक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। जब मीरा रोड पुलिस स्टेशन के एक पुलिस निरीक्षक सचिन कोठा मारे अपने कनकिया इलाके में घूम रहे थे, तब पता चला कि स्कूल परिसर में रिक्शा में गुटखा बिक्री के लिए लाया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बाघल के मार्गदर्शन में सचिन कोठा मारे ने जाल बिछाया और रिक्शा को रोका, जो संदिग्ध था। उसमें से लगभग 70,000 रुपए मूल्य का गुटखा और 22,300 रुपए नगद और एक रिक्शा जब्त की गई है। मीरा रोड थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके साथ मौजूद दो आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी मीरा रोड पुलिस तलाश कर रही है। मीरा भाईंदर नगर पालिका स्कूलों में पिछले कुछ वर्षों से छात्रों के नामांकन में गिरावट देखी गई है। छात्रों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक हो गया, जो दिन ब दिन घटती जा रही है। यदि ऐसे छात्रों की संख्या में कमी जारी रहेगी तो आगे और छात्र कैसे पढ़ेंगे, इसलिए शिक्षकों को छात्र नामांकन बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अनुसार इस शैक्षणिक वर्ष में 1000 छात्रों को बढ़ाने के लिए नगर पालिका ने लक्ष्य निर्धारित किया है। मीरा भाईंदर नगर पालिका के कुल 36 स्कूल हैं। इन 36 स्कूलों में 7,248 के करीब 160 शिक्षक का छात्र संगठन है। मराठी मीडियम के 29, हिंदी, गुजराती और उर्दू माध्यम के 5 स्कूल है। इनमें से सिर्फ 8 स्कूलों में 8वीं क्लास है। आने वाले वर्षों में जिन स्कूलों में 7वीं तक की कक्षाएं हैं, उन स्कूल में 8वीं और 8वीं तक की क्लास वाले स्कूल में 9वीं क्लास शुरू की जाएगी। तीसरी से 5वीं कक्षा के छात्रों को सेमी इंग्लिश में भी पढ़ाई जाएगी। स्कूल कक्षाएं ऊंची हों, लेकिन कई स्कूलों में नामांकन कम होने के कारण संख्या बढ़ाना जरूरी है। प्रशासन इन स्कूलों में शिक्षकों के छात्रों के नामांकन को बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि आने वाले शैक्षणिक वर्ष से इन स्कूलों के चालू रखने पर छात्रों के नामांकन में वृद्धि की उम्मीद है। इसके लिए आगामी शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 1000 छात्रों का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं बढ़ा तो कम नामांकन वाले कक्षाओं को बंद कर अन्य विद्यार्थियों में कक्षाएं लगातार अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। एक 48 वर्षीय शिक्षक के साथ हुई 62,000 रुपए की धोखाधड़ी। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में शिक्षक ने कहा कि वह अपने मोबाइल रिचार्ज के लिए एक असफल भुगतान के संबंध में पूछताछ करना चाहता था, जिसकी राशि थी 599, लेकिन इंटरनेट सर्च इंजन पर पेमेंट गेटवे कंपनी की फर्जी हेल्पलाइन नंबर के सामने आने के कुछ ही मिनटों के भीतर प्रतिष्ठित ऑनलाइन मार्केट प्लेस के दो अलग अलग शॉपिंग लेनदेन में 62,000 रुपए का नुकसान हो गया। जालसाज ने पीड़ित की मदद करने के बहाने उसे वन टाइम पासवर्ड OTP साझा करने के लिए कहा और उसके बाद 44,990 रुपए और 15,298 रुपए प्रतिष्ठित ई मार्केट प्लेस के प्लेटफॉर्म द्वारा खरीदारी करके भुगतान करवाया। शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद मीरा भाईंदरवासी विरार से जुड़ी साइबर क्राइम सेल ने पुलिस कार्रवाई शुरू की और भुगतान को रोकने में कामयाब रही। काशीमीरा पुलिस थाने में पहचान की चोरी और प्रति रूपण द्वारा कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी के लिए दंड के लिए IPC और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार लोगों को उनके पैसे वापस लाने के लिए व्यापारी साइटों और उनके भुगतान गेटवे के साथ संपर्क स्थापित करके लेन देन को उलट कर मदद करना संभव है। हालांकि ये तभी संभव है जब शिकायतकर्ता धोखाधड़ी के लेनदेन के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस से संपर्क कर ले। अगर थोड़ी देर हो जाती है तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। नागरिकों से अपील करते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में साइबर क्राइम सेल को 1930 पर कॉल करने के लिए MBVV पुलिस ने सामान्य साइबर अपराध वीडियो की एक सूची को टैग किया है, जिसमें सर्च इंजन पर नकली ग्राहक सेवा नंबर, घर से काम करने की पेशकश, लॉटरी पुरस्कार शामिल है। KYC अपडेट, क्विक रिस्पॉन्स, कोड स्कैनिंग, इंस्टेंट लोन, ऑनलाइन शॉपिंग और सेलिंग मार्केट प्लेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल के लिए कॉल करता है। इस तरह के अगर कॉल आपको आते हैं तो आप सावधान रहिए।